हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से एक नया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जाने वाला हूँ फरीदाबाद, जाने वाला हूँ। और लोग हर पल कहते हैं कि वहाँ का वो गणेश मूर्ति बहुत लंबा होता है, 80 फुट 90 फुट ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। तो जाएंगे हम लोग, देखेंगे, आप लोग भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन की तरह। इधर हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे उधर देखने के लिए। अभी हम लोग मेन गेट के अंदर घुस रहे हैं। ओह माय गॉड, कितनी भीड़ है यहाँ पर, तो एक एक कदम भी चलना मुश्किल होता है, इतना भीड़ है। देखिए छोटे छोटे बच्चा को कांध में बैठा के अंदर जाना पड़ता है, इतना भीड़, इतना मतलब दर्शन के लिए इतना लोग आ रहा ही है। इधर बहुत भीड़ है। आज बारिश भी आएगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। फिर से भी लोग देखिए कितना भीड़ होते हैं। ये देखिए अम्मा जी कैसे देख रहे हैं। अरे बाबा, हाँ भाई, देख सकते हो पूरा लाइन बना के लोग को अंदर छोड़ रही है ताकि भीड़ ना जमे, इसका भी ध्यान में रखा गया है। उन लोगों के लिए पानी का भी सुविधा करा गया है इधर। अच्छा, दो घंटे लाइन में रहने के बाद में अभी दर्शन करने के लिए मिल रहा है। देखिए गणपति बाबा मुरिया, ओह आदमी लोग कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, कितना लंबा होगा, कम से कम 80-100 फुट होगा, हो सकता है। तो इधर खड़ा नहीं रह सकता है दोस्तों, वो तो थोड़ा देख के ही चला जाना पड़ता है। और ये है सूर्यदेव भगवान, ये सूर्यदेव का मूर्ति है। ये मूर्तियाँ और ये जो आर्किटेक्चर है ना, बहुत खूबसूरत से बनाया गया है। और लोग भी बहुत भीड़ है। ए डीजे, डीजे, डीजे। ये क्या चीज़ है दोस्तों, मेरे को पता नहीं, आपको पता है तो शायद हमको जरूर बता सकते हो। और इसका नाम भी क्या है मुझे मालूम है, आपको पता है थोड़ा बताओ। Thank you.
और ये पूरा स्टैचू है। देखिए दोस्तों, हम लोग इधर आया था घूमने के लिए, लेकिन देखिए इधर का यहाँ का ट्रेडिशनल कपड़ा में इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, और लगता है यहाँ का कल्चर ऐसा है सब लोगों के सामने उनका नृत्य लोगों को दिखा रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने के लिए। आप भी देखिए इस ये देख सकते हो दोस्तों, ये भी इनका एक ट्रेडिशनल कपड़ा है जो देखने के लिए बहुत खूबसूरत दिखा दे रहा है, और ये बच्चा का साथ एक फोटो खींच रहा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, प्यारी सी बच्चा है, और उनका ऐसा नृत्य उनका कल्चर ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसके लिए, और उनका भी एक कल्चर जो नृत्य सबके सबके सब एक ही कपड़ा पहने हुए, उनका ट्रेडिशनल कपड़ा ही ऐसा है, बहुत खूबसूरत। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का बच्चा भी उनका पूरा खुशी का सीमा नहीं है, उन्होंने भी खुशी से पूरा झूम उठ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर विराजमान हुआ है श्री गणेश, हमारा महाप्रभु गणेश देवा, जो हर कोई प्यारी में दूसरा नाम में बुलाता है, गणपति बाबा मोरिया बोलता है कोई, और कोई शिव जी बेटा बोलता है, कोई कैसा भी बोले, तो हमारा गणेश भगवान है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर आग का ऊपर नृत्य कर रही है उन्होंने, मेरे को भी देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट लगा और बहुत अच्छा भी लगा, और ये सब कल्चर देख के हमको कुछ नया सीखने को मिला, और कभी भी अपना कल्चर को भूलना नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर ही हमारा सब कुछ होता है, इसलिए खुद का कल्चर को कभी भी नहीं भूलना। ये ख़त्म करके हम लोग अपना मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, और ये देखिए, ये आई लव परदेश लिखा गया है, मतलब टूरिस्ट के लिए आते हैं, और ये आगे देखा कुछ शोरूम, ये क्या है मेरे को पता नहीं, ये शोरूम है या म्यूजियम रूम है मेरे को पता नहीं, हम लोग अंदर जाने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या है अंदर।
और यहाँ पर सिक्योरिटी वाला बहुत अच्छा से चेक करके छोड़ते हैं अंदर। हम लोग तो अंदर घुस गए हैं। ओ यहाँ पर खेलने के लिए और मैं पहली बार ही इधर सीट में जा रहा हूँ। अंदर घुस जाओगे क्या नीचे गिर जाएगा। ऊपर दिया चलो हमारा दोस्त लोग सोच रहे हैं ये क्या और आगे चला गया ऊपर फ्री है ना इसलिए घूम रहे हैं। यहाँ पर सब लोग बच्चा लोग को लेके आता है खेलने के लिए। ये सब ये क्या ये भी देखिए ये कार रेसिंग है। वो बच्चा का नॉलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए इधर लेके आते हैं उनका फैमिली लोग को टाइम स्पेंड करने के लिए। ये सब गेम दोस्तों उसको कार में थोड़ा स्कैन होने के बाद में ही आप लोग खेल सकते हैं। बिना कार के नहीं खेल सकते। वो कार खरीदने के लिए भी टिकट लगता है। वो टिकट कितना हमको मालूम नहीं। ये भी कार रेसिंग का है। इधर बड़ा आदमी खेलने के लिए उधर छोटा आदमी था तो अंदर जाते जाते देखा ये भी गेम का नाम भी मेरे को मालूम नहीं है। ये देखिए बच्चा का तो लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं बच्चे लोग बाइक में। अरे मैं तो सच में गिर जाऊँगा। बच्चे लोग का बहुत हिम्मत है बहुत अच्छे से खेलते हैं। और उससे थोड़ा हम लोग और आगे गया और इधर देखा ये कुछ बास्केटबॉल ये होगा बास्केटबॉल इसका अंदर जितना जल्दी गिराएगा उतना जल्दी आपको कोई नहीं गिराएगा। क्या गेम भी दोस्तों मेरे को मालूम है बहुत सा शोरूम बड़ा बड़ा वो अंदर कुछ भी खेल सकते हैं। आपके पास अगर एक कार है उस कार के हिसाब से आप सब कुछ खेल सकते हैं। Let's go.
अभी हम लोग को रिटर्न जा रहा है, क्या है ना हमारा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, रात भी ज़्यादा हो रहा है, और हमारा ट्रेन अगर मिसिंग हो जाएगा तो इधर कहाँ से रहेगा, कहाँ पर सोएगा, इसलिए हम लोग रिटर्न जा रहा है। पूरा खाली होती नहीं, भगवान को दर्शन करके आते आते रात साढ़े दो बज गया है। और वैसे आपको यहाँ का कल्चर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसमें आपका राय जरूर बता सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लेके आएंगे आपके लिए और एक नया वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।